बहुत रहा अफसोस हुआ सद अफसोस तो पाकिस्तान ने आके चांस नहीं लिया सुबह से ले शाम तक ये ख्याल था कि पाकिस्तान को एक मौका दिया इंग्लैंड ने इंग्लैंड ने यही कहामागी मरीज बना दिया मतलब इस टीम के साथ रह रहकर मैं पागल होंगी तीन साल से मैं पागलों की पागल तो से से रो रही हूँ मतलब भाई ऐसे धोया हमें हमारे घर पे मतलब वो वर्ड खत्म हो चुका है की मैं बोलूँ भी हमें शर्म आ रही विजिटिंग टीम और ये बेशरम ढूंढ रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है? कौन है वो जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को शिल्ली करा रहा है? बदनामी इतनी बदनामी कि 800 रन्स खा लिए टेस्ट के अंदर 800 अभी भी वो ऑल आउट नहीं हुए डिक्लेयर होके गए हैं और ये टेस्ट मैच भी हमारे हाथ से निकल गया है हम पता नहीं किस तरह की टीम हैं कब हम सुधरेंगे मुझे बड़े यार हंसी आ रही है कि मतलब ये लोग इतना कूदते थे हमारे पास भाई नशीम शाह है शाहिन शाह अफरीदी है जसप्रीत बुमराह से तुलना करते थे मेरा दिल कर रहा है मैं मुल्तान पहुंच के ना किसी का सर्वर फाड़ दूं कसम खुदा की मतलब यार मेरी तबीयत खराब हो रही है मैं क्या करूं यार मैं आठ देखता हूं मुझे रोना थीवे? आता है मैं आठ देखता हूं मुझे रोना आता है यार यार दिल दिल फटता है यार मेरा इतनी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आठ सौ तेईस की बेस्ती देख सकूं इंसान के बच्चे हो ना ये तो इनमें इतनी शर्म है यहाँ होनी चाहिए कि क्या मत तक ये कानों को तोबा लगा दे कि हमने कभी इस तरह का पिच नहीं बनानी ये है आपकी क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो आज आपको पता चल गया पहले भी पता था शान मसूद भाई तू क्या कप्तान है मुझे समझ नहीं आता क्या मतलब के अखीड़ी होगी है वो यार थोड़ा तो जिसको कहते हैं ना कुछ कप्तानी में जोश दिखा दे थोड़ा तो कुछ करके दिखा दो पाकिस्तान सुतू पाकिस्तान चुस्तू ब पाकिस्तान फुस्तू ब पाकिस्तान आठ रन आठ रन समझ रहे हो आप किस तरह का मतलब पाकिस्तान का क्रिकेट है आठ सौ रन पहले इनिंग में ही इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ बना दिया और हैरी ब्रुक का 317 रन का वो पारी जिसने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया आज से पहले सिर्फ बीरेंद्र सहवाग का 309 रन का इसी मुल्तान के पिच में उनका रिकॉर्ड बना हुआ था जो दो में बना था और अनफॉर्चुनेट जो रूट का तीसरा शतक नहीं बन पाया दो पे वो आउट हो गए फिलहाल तो इस वीडियो में आप देखिए कि 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 आपको मतलब देख के इतना मजा आएगा पाकिस्तानी कैसे भिल हुए। बहुत रहा हुआ पाकिस्तान तो पाकिस्तान ने आके चांस नहीं लिया सुबह से देवी शाम पर। मेरा ये ख्याल था कि पाकिस्तान को एक मौका दिया कहा कि आप अपना टेस्ट टेस्ट मैचेस में ड्रॉ की तरफ नहीं जाएंगे जो रूट ने कहा कि मैं परवाह ही नहीं करता ये मैच पाकिस्तान जीते या हम हारे हैं हमें टेस्ट क्रिकेट बचानी है जब आपकी इंटेंट ऐसी होती है तो फिर रिजल्ट क्या आते हैं रिजल्ट यही आता है जब आपकी इंटेंट ही नहीं होती जीतने की इतने गंदे विकेट ऊपर अच्छा भला विकेट उसमें चार से नहीं है सुबह मैं उठा हूँ सात बजे मैंने देखा कि बाकी सुबह जब आया बजे बाकी पाकिस्तान ने कभी तो इंटेंट थी नहीं पाकिस्तान में विकेट भी इसीलिए बनाएंगे कि ड्रॉ के अब जब आपकी इंटेंट ये होगी जब आपकी सोच ये होगी जब आपका रिफ्लेक्शन ये होगा यू थिंक वो यू हेडिंग इन टवर्ड्स बड़ा अफसोस की बात है बहुत ही अफसोस हुआ मुझे देखते हुए मैं खुद मैच देखने गया बाद मैंने सोचा शायद पाकिस्तान चांस लेगा मैच करेगा जो एफर्ट इंग्लैंड ने की है कि यार ये टेस्ट मैच को इंटरेस्टिंग कर रहे हैं टेस्ट मैच को इंटरेस्टिंग कर देते हैं बना देते हैं इसको ताकि यार आप आके जरा इस मैच को ड्रॉ नहीं खेलना हमने उन्होंने साफ आपको चांस दिया कि यार ड्रॉ नहीं खेलना होंगे इंग्लैंड डिजर्व टू विन नो क्वेश्चन अबाउट दिस नो डाउट अबाउट दिस वेल डन इंग्लैंड थैंक्स फॉर कमिंग डाउन विद माइंड सेट ये वो इंग्लैंड टीम ने जिनके खिलाफ हम खेलते थे टेस्ट मैचेस ये वो इंग्लैंड टीम है जो ड्रॉ नहीं खेलना चाहिए ये इंग्लैंड टीम है जो जीतना मैं वही सोच, रहा हूं यार, पाकिस्तान टीम भी सोच रन के बाद कि कोई हालत इस तरह से होगी लेकिन अब साढ़े पांच सौ रन बनाया उन्होंने उसके बाद भी जिसको मर्जी आ रहा है मतलब बांग्लादेश तो चलिए बांग्लादेश ने भी आके यहाँ पर बांग्लादेश मतलब पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि भाई क्या हम कर रहे हैं मुझे बड़े यार हंसी आ रही है कि मतलब ये लोग इतना कूदते थे हमारे पास भाई नशीम शाह है शाह अफरीदी शा है जसप्रीत बुमराह से तुलना करते थे भैया ये तुम पिच आपने बनवाई है आपकी घर बोलते हैं ना आप अपने घर में बुलाए हो पिच अपनी मर्जी का बनाए हो तुम्हारे बॉलर जो है एक विकेट लेने के लिए तरस रहे हैं ऐसी विकेट पे हमारा वो छोड़ो बुमराह और सिराज को तो छोड़ दो ये हमारा आकाशदीप हर्षित राणा इन सबको खिला दो ये विकेट आपको लेकर आपको आ कर देंगे टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर 2053 टेस्ट मैचेस अभी तक हुए हैं जिसमें से सिर्फ चार मैचेस ऐसे हैं जिसके अंदर 800 प्लस रन एक इनिंग्स के अंदर हुआ हो हु। और वो चौथी इनिंग्स जो थी वो पाकिस्तान के अगेंस्ट आई है इंग्लैंड की इससे ज्यादा बड़ी एम्बेसमेंट क्या हो सकती है यही नहीं पाकिस्तान के अंदर पहली दफा 800 स्कोर हुआ है वो भी इंग्लैंड का अगेंस्ट पाकिस्तान इससे ज्यादा बदनामी क्या हो सकती है यही नहीं हैडी ब्रुग ने मुल्तान के अंदर मुल्तान का जो सुल्तान था वरिंदर सहवाग जिसके 309 सौ रन से उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया 2004 का हैडी ब्रुग ने वरिंदर सहवाग का मुल्तान के सुल्तान का जो टाइटल था वो छीन लिया उसने तीन रन से स्कोर करके रख दिए और यकीन करें कि इंग्लैंड के, के प्लेयर्स टायर्ड हो चुके हुए थे अगर उनमें थोड़ा और ना होता तो वो चार चार सौ मार के ब्रैन लाड़ा का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते थे मतलब ये आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में जाके 823 रन इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ बना दिया वो भी पहले बैटिंग करते हुए अभी एक बार बैटिंग करना बाकी है और उसका पूरा प्लेयर आउट नहीं हुआ था सात विकेट ही गिरे थे और इंग्लैंड ने डिक्लेरेशन दे दिया कि भाई अब तू आ बैटिंग करने के लिए पहले बॉल पे ही इसका एक विकेट गिर गया था उसके बाद बाबर आजम का पता नहीं कौन सा ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है मुझे लगता है इसका शनि बहुत खराब है पंद्रह बॉल खेला और पांच रन बना के आउट और उसने आज एक कैच भी छोड़ा था मतलब बाबर को तो लग रहा था कि सभी खिलाड़ी वहीं पे मार देंगे अब पाकिस्तानी इतने चिड़े हुए हैं बाबर आजम पे पता नहीं इसको क्या हो गया है कि मतलब कभी दो रन बना के आउट होता है कभी बाईस बॉल खेलता है तीन रन बनाता है आज पंद्रह रन पंद्रह बॉल खेल के पाँच रन बनाया पाँच सौ साठ रन बना के बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे थे पाँच सौ साठ रन बना दिया अब तो इंग्लैंड इसको बना ही नहीं पाएगा और इंग्लैंड ये टेस्ट मैच हार जाएगा इंग्लैंड जब बैटिंग करने आया तो मतलब इनका बॉलर लिटरली बता रहा हूं रो रहा था बेचारा अंदर से कि क्या ऐसा ट्रिक आजमाऊ क्या ऐसा करूं कि जो रूट और हैरी ब्रुक को मैं आउट कर पाऊं दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है कि यह है सच्चाई पाकिस्तानी क्रिकेटरों की आप इनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा चलिए मिलते आपसे अगली वीडियो में जय श्री राम